हेलो गाइस, दिस इज अरुण एंड यू आर वाचिंग 786 आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारे इस चैनल में एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज एक हम एक्टिविटी लाए हैं जहाँ एक एज ए इसको वर्किंग मॉडल भी आप ले सकते हो, तो जिससे हम काफ़ी टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन है, डेसिमल है, परसेंटेज है, इवन दैट आप प्रोबेबिलिटी भी इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे आप बीएड स्टूडेंट हो या आप एक टीचर हो जाए, तो वो भी इनका यूज़ करके अपने क्लास में अफेक्टिव बना सकते हैं अपनी टीचिंग को। तो सिंपल है, इजी है, इसको पहले बनाना सीख लेते हैं कैसे हम बनाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा जो मॉडल है देख सकते हो आप, तो यहाँ पे हमने डिस्पोजल ग्लास यूज़ किए हैं, आप वेस्ट जो है पेपर यूज़ कर सकते हो, कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हो इसमें बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने डस्ट क्या किया है, जो बेस है वो कार्डबोर्ड का बनाया है और उसके ऊपर हमने पेस्ट कर दिया है वाइट पेपर। और ये जो दो आप देख रहे हो साइड में जो हमने स्टैंड लगाए हैं वो हमने दोस्तों कागज़ के बनाए हैं, कागज़ को आप रोल करके इसके ऊपर इस तरह से आप रिबन लगा सकते हो। जो ऊपर वाला है वो भी हमने कागज़ का ही बनाया है, उसको रोल करके अच्छे से आप न्यूज़पेपर का बना सकते हो। तो ये हमने साइड में इस तरह से अटैच कर दिया है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। और डिस्पोजल ग्लास यूज़ किए हैं वो चार कलर के यूज़ किए हैं, और उसी से रिलेटेड हमने स्टोन्स परचेज किए हैं। तो ये स्टोन आपको स्टोन वाली शॉप से मिल जाएंगे। तो ये चार कलर हमने यूज़ किए हैं, दैट इज़ रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। तो इसका हम यूज़ करेंगे और सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जैसे कि फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल एंड प्रोबेबिलिटी। तो सभी चारों के चारों टॉपिक मैं आपको क्लियर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों देखते हैं फ्रैक्शन को कैसे हम समझा सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है जो दोस्तों फ्रैक्शन, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, चार हमने डिस्पोजल ग्लास यूज़ किए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, और उसी से रिलेटेड हमने स्टोन परचेज किए हैं। तो यहाँ पे जो टोटल स्टोन है हमारे पास 40 है, मतलब 10 10 ईच है, 10 ही रेड है, 10 ब्लू है, 10 ग्रीन है और 10 येलो है। तो इसे हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो फर्स्ट वाली जो हमारी डिस्पोजल ग्लास है उसमें हम तीन जो है स्टोन पुट कर देते हैं, या जो बॉल्स हैं ये पुट कर देते हैं, 1 2 एंड 3। तो उसी तरह से मैं नेक्स्ट वाली जो ब्लू है हमारा डिस्पोजल ग्लास है उसमें भी हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम चार ब्लू बॉल्स पुट कर रहे हैं, 2 3 एंड 4। और ग्रीन में हम कर रहे हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5। और लास्ट वाली जो हमारे पास येलो है वहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास देखिए दोस्तों जो टोटल बॉल्स थी वो कितनी थी, 40 थी, जिसमें 10 10 ईच थी। तो 40 बॉल्स में से अगर हम रेड बॉल का हिस्सा देखें तो कितना होगा, तो फर्स्ट वाली जो हमारी जो बकेट है या जो डिस्पोजल ग्लास है उसमें हमारे पास तीन क्या हैं, बॉल्स हैं रेड वाली। तो जो रेड वाली बॉल्स का हिस्सा हुआ टोटल बॉल्स में से वो कितना हुआ, 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपका जो कंसेप्ट है वो बनेगा फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या होती है, एक हिस्सा होता है टोटल में से। तो टोटल बॉल्स हमारी क्या है, 40 है, उसमें से रेड वाले का हिस्सा कितना है, 3 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/40। तो 3/40 क्या बन गई आपकी, एक फ्रैक्शन बन गई। अब यहाँ पे आप प्रॉपर इम्प्रॉपर इससे सभी एक्सप्लेन कर सकते हो, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं इसको सिंपली यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्लू बॉल्स। अब ब्लू बॉल्स हमारे पास कितनी है, 4। तो इसका हिस्सा कितना हो गया, 4/40। तो नेक्स्ट हमारे पास ग्रीन थी, इसका हिस्सा कितना हो गया, 5/40। और लास्ट वाला हमारा कितना हो गया, 6/40। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 4/40, 3/40, ये आ गई हमारे पास फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन प्रॉपर है इम्प्रॉपर है वो डिटेल में आप समझा सकते हो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, तो सिंपली हम इसको समझेंगे। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट है वो आप क्लियर कर सके हो। इसके बाद दोस्तों हम समझते हैं जो डेसिमल वाला कंसेप्ट है, जब उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों हम फंडामेंटल्स ऑपरेशन को भी समझ सकते हैं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जा रहे हैं जो है उससे एक्सप्लेन हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन कितनी थी, फर्स्ट रेड वाली की कितनी थी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 3/40 थी, इसकी क्या है, 4/40। अब इन दोनों का मैं एडिशन करना चाहूँ तो इजीली एडिशन हो जाएगा, तो 7/40 हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से एडिशन मल्टीप्लिकेशन सभी कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम दोस्तों समझते हैं टॉपिक हमारा क्या है, डेसिमल। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा डेसिमल क्या होता है, एक फ्रैक्शन को लिखने का ही एक वे होता है, तरीका है एक, जिससे जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा था 3/40, ठीक है,
तो इसको हम अगर लिखना चाहें डेसिमल में तो कैसे लिख पाएंगे? तो पहले हम सिंपली समझ लेते हैं। अगर मान लो मैं सिर्फ रेड बॉल को ही लूँ, अगर रेड बॉल हमारे पास टोटल कितनी थी, 10, ठीक है, और 10 में से कितनी बॉल्स इसमें हैं, 3। तो अगर रेड बॉल्स की ही सिर्फ मैं फ्रैक्शन निकालना चाहूँ, टोटल में से ना निकालूँ, तो क्या बनेगी, 3 out of 10। ठीक है, उसी तरह से अगर इसको हम चेक करें तो यहाँ पे हम ब्लू बॉल की उसी तरह से फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे भी ये टोटल 10 थी हमारे पास, तो क्या बन गया, 4 out of 10। तो यहाँ पे 3 out of 10 है, यहाँ पे 4 out of 10 है। अगर इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, जस्ट सिंपली पहले हम समझे, 3 out of 10, अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जैसे 0.3, और उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं 0.4। वो आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिंपली सिंपली आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर इसकी हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3/10 × 4/10 क्या हो जाएगा, 12/100, तो जिसको हम 0.12 लिख सकते हैं। तो आउट ऑफ 100 भी आ गया, मतलब 10th भी आ गया आउट ऑफ, जैसे 100th बोलते हैं उसी तरह से 1000th भी निकाल सकते हैं। तो डेसिमल क्या है, एक लिखने का वे है फ्रैक्शन को ही, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई फ्रैक्शन आ गई 3/, जैसे टोटल की हम निकालें 3/40, ठीक है, तो 3/40 क्या होगा, आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 तो बना नहीं, वहाँ पे सिंपली नहीं निकालेंगे, तो वहाँ पे हम डिवाइड करके करेंगे। तो वो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जस्ट हमने कंसेप्ट को समझाना है इससे, ठीक है। एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है, जैसे आप बॉल्स सामने रख दोगे बच्चों के, ठीक है, जहाँ आप पहले से इसमें बॉल्स डाल के रखोगे और बच्चों से पूछोगे भी इसकी फ्रैक्शन क्या होगी और इसको हम डेसिमल में कैसे कलेक्ट करेंगे। अब मान लो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ, यहाँ पे रेड बॉल हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, जैसे 3 थी, 1 एक और डाल दी, 2, 3 एंड 4, पहले 3 थी और 4 टोटल कितनी होगी, 7। अब इसकी टोटल में से फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 7 out of 40। अगर सिर्फ रेड बॉल्स की देखें तो 7 out of क्या बनेगा, 10 बनेगा, ठीक है। तो इसको आप अगर डेसिमल में चेंज करना चाहें तो 0.7 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 out of 10 और 4 out of 10, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देख सकते हो आप कितनी बॉल्स हैं, 4 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आएगा वो 100 आ जाएगा। उसी तरह से थर्ड वाले को करोगे क्या आ जाएगा, 1000। तो डेसिमल वाला कंसेप्ट भी इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक्टिविटी है, जिससे हमने फर्स्ट फ्रैक्शन समझा और अब डेसिमल समझ लिया। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे परसेंटेज, तो परसेंटेज को समझते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा है परसेंटेज। अब परसेंटेज को समझो तो पर का मतलब होता है आउट ऑफ और सेंट का मतलब होता है 100। तो आउट ऑफ 100 में से ही आप परसेंटेज निकालते हैं। तो अगर इंडिविजुअली देखें तो उसकी लास्ट फ्रैक्शन बनी थी हमारे पास 7 out of 10, तो इसकी थी 4 out of 10, ये है हमारे पास 5 out of 10 और 6 out of 10। अब या इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे वाला जो हमारा बेस होगा वो 100 बन जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 7 out of 10 है और यहाँ पे है 4 out of 10, तो मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 28/100। तो आउट ऑफ 100 में से परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज कितनी बन गई, 28%, ठीक है। तो ये परसेंटेज वाला टॉपिक हो गया। अगर मान लो इंडिविजुअली से आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, 7 out of 10 था तो नीचे 100 होना चाहिए था, क्योंकि आउट ऑफ 100 आप परसेंटेज निकालते हो। तो फर्स्ट वे तो ये है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन वाला भी है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे 7 out of 10 हो गया, तो नीचे आपको 100 बनाना है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई क्या कर दो, 10 कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो 10, तो क्या आ जाएगा ऊपर, 70 out of 100, तो 70% बन गया ये वाला। उसी तरह से इंडिविजुअली सभी को आप समझा सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास येलो बॉल्स देखो तो कितनी है, ये टोटल है 1, 2, 3, 4 एंड 6, ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी है, 6 बॉल्स है। तो इसकी क्या होगी, 6 out of 10। अब इसका हम बनाने चाहें तो कितना बन जाएगा, नीचे ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी करोगे, तो आउट ऑफ 100 हम निकालें तो 60% बन गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। मान लो यहाँ पे बेस हमारा जो है वो 10 नहीं है, कोई अदर नंबर है, ठीक है, जिससे आप इजिली 100 नहीं बना सकते हो। जैसे मान लो नीचे 25 है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100 बन जाएगा, तो इजिली आप निकाल सकते हो। अगर मान लो 36 आ गया, 35, 23 हो गया, तो ऐसा नंबर आ गया तो जिससे हम नीचे 100 नहीं बना सकते मल्टीप्लिकेशन करके, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। जैसे मान लो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं आउट ऑफ, तो ये एक फ्रैक्शन बन गई आउट ऑफ 100, ठीक है, उसका हिस्सा कर दिया, 100 में से इसका कितना हिस्सा होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पे ब्लू बॉल्स ले लूँ, तो ब्लू बॉल्स हमारे पास 4 हैं, अब मान लीजिए टोटल हमारे पास 6 हैं, तो 4/6 होगी इसकी फ्रैक्शन, ठीक है, 6 में से 4 इसके अंदर है, ठीक है। तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें परसेंटेज में तो कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे तो हम नीचे 100 नहीं बना सकते, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो आउट ऑफ 100 में से जो हमारी फ्रैक्शन है उसको हम कटिंग करके हमारा जो आंसर आ जाएंगे।
तो इस तरह से परसेंटेज वाला भी टॉपिक आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हो और एक्टिविटी करवा सकते हो। ठीक है, तो आप पहले से बॉल पुट कर करके या बच्चों के सामने ये रख दीजिए, ठीक है, उस तरह से आप एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी फ्रैक्शन से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अब दोस्तों समझते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझने के लिए पहले हम इसमें बॉल पुट कर देते हैं, पहले ही डाल देते हैं बॉल सभी को, रेड को रेड वाली में डाल देते हैं। ये हमारी 10 रेड कंप्लीट हो गई है और इस तरह से सभी कॉल्स पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे येलो है, ग्रीन वाली में ग्रीन, और यहाँ पे ब्लू। तो ये सभी में 10 10 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे 10, यहाँ पे भी, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 हो गई और यहाँ पे भी 10 हो गई। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट कैसे समझाएंगे, तो देखिए हम मिक्सिंग कर दें, मान लो इन सभी की मिक्सिंग कर देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है जिसमें से हमने सभी में से एक एक बॉल निकालनी है, तो यहां पे भी हम एक बॉल निकाल लेते हैं, ठीक है, एक बॉल यहां से निकाल लेते हैं। रैंडमली निकालना है, देख के नहीं निकालना है। वन बॉल यहाँ से निकाल लेते हैं, वन बॉल यहाँ से निकाल, ठीक है। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, 40। अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए कितनी आई हैं हमारे पास बॉल्स, ग्रीन कितनी आई हैं, 2। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी देखें टोटल में से तो कितनी होगी, ये हमारे पास 2 आउट ऑफ 40। अगर ग्रीन में से ही देखें तो ग्रीन कितनी थी हमारे पास, ओनली 10, तो 2 आउट ऑफ 10 बन गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे रेड की कितनी बन गई, 1 आउट ऑफ 40, और येलो की भी क्या बन गई, 1 आउट ऑफ 40। अगर इंडिविजुअली देखोगे तो वाई 10 लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी वाले कंसेप्ट को भी हम समझा सकते हैं। फ्रैक्शन से ही हमारा जो प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट है वो आता है, ठीक है। तो इंडिविजुअली हमने निकाली, ठीक है। अब तो ये दोस्तों मैंने बेसिक बेसिक से आपको बता दिया सभी जो कंसेप्ट हैं, जैसे फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी, वो इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बोल्स से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और बच्चे को भी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करके अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है। तो ये किड्स के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है। अगर आप 7th 8th स्टैंडर्ड तक भी इसको यूज़ कर रहे हो, अगर दोस्तों आपने डिटेल में समझना है पूरे टॉपिक को भी कैसे हम एक्सप्लेन करें स्टेप बाय स्टेप, जैसे फ्रैक्शन का कंसेप्ट करवाएं, फिर उसके बाद उसके टाइप्स इससे कैसे एक्सप्लेन करें। अगर दोस्तों आपको इंडिविजुअली वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो मॉडल हमने बनाया है वो इलेक्ट्रॉनिक भी बनाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल जल्दी हमारे चैनल पे आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो वो वीडियो है वो मिस आप ना कर दो। अगर दोस्तों आप किसी भी तरह के मॉडल को परचेज़ करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, वहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइज। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like.